ससुरासुरमनुषि वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वढमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं श्रीश्रीगुणतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदंशन चरित तव वीर्यायारे ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवटन्ते अर्हन्ते मानुषेक्षेते किच्छार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहूणं चेव सर्वेशिं तेषिं विशुद्धदंशन प्राणपहाणासमं समासे च उवसंपयामि समं जतो निर्वाणसंपत्ति भली होनहार है जिसकी उस जीव को यह विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह जो चरित्र बन रहा है सो कैसे बन रहा है, जो भाव हो रहे हैं उसका क्या फल होगा, इस पर्याय में जो दुख हो रहा है उससे बचने का उपाय क्या, इतनी बातों का विचार करके जिसमें मुझे मेरा हित हो ऐसा जानकर उद्यमवंत हुआ है और इन समस्त बातों की सिद्धि एकमात्र शास्त्र को सुनने से होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्राभ्यास में दक्ष रहता है। यदि चोरी पाप न होता तो जैनियों के भंडार के एक भी ग्रंथ में उनके यहाँ रहने नहीं देता, ऐसा जो महात्मा गांधी का वचन है वह 100% सत्य भाषित होता है। चलो हमने मानस भी बना लिया, आगम का सेवन प्रथम चरण सुखी होने की दिशा में आगम का सेवन चालू भी किया, हमने खूब अध्ययन चालू किया रात दिन, इवन देन होपलेस, फिर भी कुछ भी सिद्धि नहीं हुई। पंडित जी साहब की भाषा में उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो पुरुषार्थ प्रमाण होता है, स्वाध्याय प्रमाण नहीं, स्वाध्याय पुरुषार्थ का उपाय था। पंडित जी साहब कहते व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई उसकी। पंडित जी साहब कहते हैं अब जो जीव जैन है, सातवें अध्याय का प्रारंभ बोलो, अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी उनका मिथ्यात्व तो कैसे रहता है, और मिथ्यात्व तो रूपी बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व तो भी त्यागने योग्य है। क्या डिफेक्ट हुआ, निश्चय व्यवहार की प्ररूपणा नहीं समझता, नहीं समझता, नए विभाग अनभिज्ञों से अत्यंत निशित धारण, क्या इतनी धारदार तलवार है, इतनी धारदार तलवार है, 10 घाव की आवश्यकता नहीं है,
एक घाव इज इनाफ, वन ब्लो इज इनाफ टू नॉक आउट, बट इम्प्रॉपर यूज तुम्हारी गर्दन भी छट सकती है। थोड़ा बच के धारदार तलवार दूसरों को ही घातक नहीं होती। अत्यंत निश्चित धर्म प्रथम चरण नए विभाग को समझना जरूरी है। नए विभाग को समझे बिना किया हुआ समस्त स्वाध्याय दयनीय है। क्या करना चाहिए? नए का विस्तृत विवेचन यहां से चलेगा ही, शायद कल से तो चलेगा ही। आज एक अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं, चोटी की चढ़ाई करनी है। शायद ही जीवन में आप इस बात को सोच पाओ। कुछ आधार भी आपके सामने मैं दूंगा। वैसे कल एक प्रश्न आया तो उसको थोड़ा सा समेट लेते हैं थोड़े में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अवग्रह ईहा अवाय धारणा, कल वहां से प्रश्न आया था पीछे से। अवग्रह ईहा अवाय धारणा, स्मृति पृथ्वी तर्क अनुमान, ये सब मति ज्ञान का रेंज है। मति स्मृति संगे चिंता विनिबोधित्य नर्थान्तरम, ऐसे एक सूत्र भी। इसमें से केवल अवग्रह ईहा अवाय धारणा को ही सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। इतना ही मति ज्ञान है, ऐसा नहीं। इतना तो इंद्रिय के द्वारा वर्तने वाला मति ज्ञान है, इसलिए सूत्र आया अवग्रह हवाय धारणा। ऐसा नहीं है कि यही मति ज्ञान के भेद है, आप समझ रहे हो। बल्कि इसके बाद जो भी भेद आते हैं, स्मृति प्रतिभि तर्क अनुमान, वो केवल मन के द्वारा होते हैं, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में उनका अंतर्भाव नहीं होता। शुद्ध ज्ञान का भेद एकमात्र आगम को कहा। कल नई की दो परिभाषाएं हमने की थी, और वे शुद्ध ज्ञान की दो परिभाषाओं को ध्यान में रखकर की गई थी। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत, अब द्रव्य आगम भाव आगम भी कहो कोई बात नहीं। वक्तुर अभिप्राय नया है और ज्ञातुर अभिप्राय नया। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते, अज्ञानी के अभिप्राय को नया भास कहते। अक्सर ये बात चलती है, वाणी किसकी सुनना चाहिए। अक्सर एक उलझा हुआ विषय है, बहुत चर्चित भी विषय है, और बीच में ऐसी जगह आकर फंसा है जहां पर उसको गंतव्य के रूप में टर्न दिया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए, इस मामले में बहुत द्वंद्व भी है, और अधिकांश जन ये कहते हैं, सभी जन एकमत से तो ये कहते हैं ज्ञानी होना चाहिए। अधिकांश जन ये कहते हैं लगभग आत्मानुभवी होना चाहिए। वक्ता कैसा हो, आत्मानुभवी हो। और फिर वे ये भी कहते हैं कि क्योंकि ज्ञानी के ही आश्रय से ज्ञान होता है। जो दोपहर में अपनी चर्चा चल रही थी, अज्ञान उपास्थिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्र यस्य आस्ति, जिसके पास है जो है वही तो देगा, ऐसा सुप्रसिद्ध निदम वचन, ऐसा प्रसिद्ध वचन है। ज्ञानी के ही आश्रय से ज्ञान होता है और अज्ञानी के आश्रय से ज्ञान कैसे होता है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अनुभव आश्रित सम्यक ज्ञान होना जरूरी नहीं है उद्देश्यदाता को। आत्म कल्याण के लिए तो ये निहायत जरूरी अनिवार्यतम विषय होने पर भी उपदेश देने के लिए उसके लिए अनुभव की अनिवार्यता नहीं है। अगेन दो प्रकार के सम्यक ज्ञान आपके सामने में रख रहा हूं। वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान और एक आगमाश्रित सम्यक ज्ञान।
What is agamashrit samyakgyan? Agamashrit samyakgyan is ये सम्यक्ज्ञानी जीव है, उसके लिए आवश्यकता इतनी ही है कि जिनागम में आए हुए समस्त पहलू निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध पर्याय निमित्त उपादान जहां का तहा जैसे का तैसा बराबर समझे तो वह डिक्लेयर्ड है कि वह सम्यक्ज्ञानी है। वक्ता का सम्यक्ज्ञानी होना जरूरी है, डाउट नहीं, वक्ता का सम्यक्ज्ञानी होना जरूरी है, बट वह सम्यक्ज्ञान आगम के आदर्श का होना चाहिए। माइंड वेल, आत्मानुभवी को क्षेत्र पे पता होना जरूरी नहीं है। थोड़ा डेरिंग से उत्तर देना पड़ेगा। दो क्लासेस एक साथ चलाई हमने यहां से, ऐसा किसी ने बोला भी आत्मानुभवी है और ये जो है आत्मानुभवी तो नहीं है, पकड़ अच्छी है, कुछ भी उलट के पलट के एनी हाउ सुलझने का रास्ता बराबर, कहां पर आप फंसे हो बराबर आपको वहां से आगे कर देंगे। आप किसकी क्लास में बैठेंगे? सम्यक्ज्ञानी आत्मानुभवी को यह जरूरी नहीं है उसको छह द्रव्य सात तत्व के नाम पता हो। सुमेरु आदि की छोड़ो इन बातों को, इसमें कोई बात नहीं है। आत्मानुभव के लिए यह जरूरी नहीं है कोई चीज, भले ही राजमार्ग आगम के सेवन पूर्वक आत्मानुभूति का है, लेकिन रूल तो नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन में जिनोपदेश श्रवण के अलावा जिन बिंब दर्शन भी लिया गया है, वेदनानुभव भी लिया गया है, द्रोणाचार्य का मुखड़ा देखे बिना अर्जुन की टक्कर का एक आदमी आज खड़ा हुआ है यहां पर। प्रमाण देखो यहां पर, देखो यहां पर, मतलब समझ में आ रहा है आपको? केवल आवाज के बल पर हजारों बाणों ने कैसे छेद दिया, और ये तो मैंने विद्या अर्जुन को ही सिखाई है। ताकत बिना निमित्त के भी काम होने के लिए कोई अवरोध नहीं है। इसलिए भी मैं कहता हूं उपस्थिति से काम नहीं होता। अगेन थोड़ा सा, उपस्थिति मात्र से काम नहीं होता, यदि उपासना सच्ची है काम हो जाएगा तुम्हारा। वहां पर एकलव्य ने बिना द्रोणाचार्य के अपना काम निकाल लिया है, द्रोणाचार्य के लिए भी, द्रोणाचार्य को भी थोड़ी देर के लिए हिला कर रख दिया एकलव्य ने। ठीक है, एकलव्य का खरा गुरु कौन, इस झगड़े में पड़ने की अपेक्षा मैं तो आपको यह प्रश्न पूछूंगा कि द्रोणाचार्य के सच्चे शिष्य कौन है, क्या ख्याल है आपका? तुमने क्या मांगा हमको, हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक तरफ एकलव्य है और एक तरफ वो अर्जुन है, रात दिन जिसने तुमको सिखाया है, आज तुम्हारी छाती की तरफ नोक ताने खड़ा है यार, थोड़ा भी अवसर नहीं देगा आज अश्वत्थामा। तो पॉलिटिक्स कौन गुरु की अपेक्षा हम ये विचार करें ना, शिष्य कौन, ताकत किसकी। हम जानते हैं आगम के सेवन के बिना भी जिन बिंब दर्शन वेदनानुभव जाति स्मरण देवर्धि दर्शन ये सब सम्यक दर्शन के साधन कहे हैं। आप तत्व और सूत्र पढ़ते होंगे टीकाओं, ये परस्पर साधक नहीं है कोई, स्वतंत्र कारण है। गेटिंग बारीकाई से यदि दसवां अध्याय पढ़ा होगा, तत्व और सूत्र का अंतिम व अध्याय का अंतिम व सूत्र, कितने नौ सूत्र है क्या, उसमें
अल्प बहुत्व की चर्चा की उन्होंने, जिसमें उन्होंने प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व राइट प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व की कल्पना की। कल्पना मतलब वहां पर एक कंसेप्ट रखा है जिसमें यह कहा है प्रत्येक बुद्धत्व भी जीव होते हैं कंपेरेटिवली लेस, बट ऐसे भी होते हैं जो बिना टीचर के अपना काम निकाल लेते हैं, काउंटेबल नहीं के बराबर होते हैं वे, बट इवन देन होता है काम होता है, क्योंकि काम होना तो हमारी समझ से है। ठीक है, अगमाश्रित सम्यक ज्ञान, चार वेदों का बराबर ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान की परिभाषा कोई मुझे बताएगा? जिनागम में अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं आई है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा कोई बताएगा कहां पर कैसी क्या देखने में आई? प्लीज आई वुड बी हैप्पी। तीन हाथ ऊपर है। सम्यक ज्ञान आपको कोई पूछे तो आप कैसे परिभाषित करेंगे सम्यक ज्ञान को? एक मिनट, एक मिनट, आप क्लास 12th तो आपको दिया जाए अवसर मुझे लगा, बोलो। ओके, अपने छह डाला की निश्चय परक परिभाषा बताइए। आप रूप को जान पुनः सो सम्यक ज्ञान कला। ओके, एनी मोर? नो मोर, बोलो। ठीक है, ठीक है, और राइट संशय विपर्यास अनध्यवसाय का अर्थ अन्यूनम अनतिरिक्तम, इतना हो गया। जो चार वेदों को भली भांति जानता है, चार अनुयोग को कहा की अपेक्षा कहा कब कैसे, वह सम्यक ज्ञानी ही है। उन सब की वाणी सम्यक्त में कारणभूत है और आत्मानुभव से रहित जीव होगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उसको अपने निजी जीवन में जरूर पड़ेगा, उसका मोक्ष मार्ग तो खतरे में है ही। दूसरों का मोक्ष मार्ग तो बन भी जाए, कहीं पड़ा कुछ, आप यहां से आधार आ जाएंगे मैं जो कहूंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 237 पेज अपन यहां से पढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 237 पेज, अच्छा प्रकरण रहेगा। वैसे मैं यहां से कहना चालू करता हूं फिर अपन पढ़ेंगे, आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिए। एक उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, जिस प्रकार कोई एक लड़की है लड़का है 4-5 साल का, बीच रास्ते में कुछ खेल दिखा रहा है, नाच रहा है, नाच रही है कहो, और गाना भी कुछ गाती जा रही है, और गाना कुछ बहुत अच्छा नहीं है, फिल्मी गाना है, तो वो ये कह रही है गाने में वो लड़की लड़का, मुझे डैश 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 हुआ आदि आदि बात कर रही है वो। 3-4 साल की लड़की, 4 साल का लड़का है, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आती वो बात। वह निर्विकार रहते हुए सुनने वालों को विकार हुआ, पंडित जी साहब एक उदाहरण देते हैं। उसी प्रकार हजारों की भीड़ में ऊपर बैठे हैं, हजार मुनियों का आचार्यत्व करने वाले, मिथ्या दृष्टि क्या अभव्य भी हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और उनकी वाणी सुनकर कितने ही जनों को सम्यक तो हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वे जो कुछ कहते हैं वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का साधन है, और चरणानुयोग ने तो उनको सर्टिफाई किया एज सम्यक ज्ञानी। उनको आड़े हाथ भले ही आगे द्रव्य नियोग लेगा और करना नियोग तो घुसने नहीं देगा, कच्चा पारा है उसका, समझ रहे हैं? चरना नियोग तो चाहे जिसको टिकट बांटता है, ले लो ले लो ले लो ले लो,
सैकड़ों को, और इन सैकड़ों में से आप यदि जाओगे द्रव्यनयोग की खिड़की पर और ये बोलोगे आप कि चरणनयोग ने हमको सर्टिफाई किया है, क्या है ना, जाओ तुम वही बैठो जाकर, यहां पर मीटर जीरो दिखा रहा है तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर्स रिजेक्ट कर सकता है, गो बैक मूव। और द्रव्यनयोग ने जिसको ओके किया है, लिसन नाउ, मैं एकदम क्रिटिकल पॉइंट से गुजर रहा हूं, द्रव्यनयोग ने जिसको सर्टिफाई किया, सैकड़ों जनों को वहां पर रास्ता रोक जाम कर दिया है उन्होंने, करना नहीं होगा, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है यहां पर कुछ भी, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि अपने अनुभव का प्रमाण इज बेस्ट टू आवर नॉलेज एंड योर नॉलेज इज ऑलरेडी योर छदमस्त, परोक्ष ज्ञान है तुम्हारा अपना, उस तुम्हारे अपने ज्ञान से तुमने निर्णय किया है, समझ में आया? इस समय में सम्यक तो है कि नहीं है, ये तो टू द पॉइंट वही जानते हैं, केवल पढ़ लेना इसको 265 पेज भी, जो मैं अभी अभी कह रहा हूं, अभी नहीं चाहिए, मैं आपको कहता जा रहा हूं। दर्शन पहुड़ की दूसरी गाथा की टीका, क्या कहा? पर के सम्यक्तों का कैसे परीक्षण करें, कहे वांदा नहीं था, अपने तथा पर के सम्यक्तों को कैसे नापे, ऐसा प्रश्न आया। उत्तर में कहा, उत्तर में ये कह देते, पर के सम्यक्तों को प्रथम सभ्य का अस्तित्व अनुकंपा से जान लेना, खत्म, और स्वयं का तो प्रत्यक्ष से जान लेना, ऐसा नहीं कहा। स्वयं के तथा पर के सम्यक्त को नापने का एक ही जरिया दिया, प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा, इन स्थूल चिन्हों से ही। बट ये चिन्ह तो व्यभिचारी है, कहीं भी जाकर लगते हैं, लगने दो, क्या करेंगे, कोई चारा भी तो नहीं। द्रव्यनयोग ने जितने जनों को सर्टिफाई किया है, 41 प्रकृतियों का निरोध सबका होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मानसिक भ्रम भी हो सकता है, ये तुम्हारी कल्पित धारणा भी हो सकती है। हम कर्तकर्म अधिकार में भूताविष्ट ज्ञानाविष्ट में तो देखने ही वाले हैं, बट इविन देन बोलो, किसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, जिसकी चरणनिक में प्रवृत्ति है, एक सेकंड, अरे एक्सेप्ट, सबके लिए दरवाजा खुला है, समो शरण है हमारा, सबको अवसर है, कोई भी, बल्कि उनको ज्यादा अवसर है। अमृत चंद्र की भाषा में, जिनका अभी बाहर का ठीक ठाक नहीं है, जाओ पहले नहा धोकर आओ, गो मूव, डोंट पोल्यूट द एटमोस्फियर, क्या कहा, समझ में आया? वे कहते हैं ये पात्र नहीं है, जिनको आठ मूल गुण नहीं है उनको शिक्षा लेनी भी नहीं चाहिए, देने वालों को देनी भी नहीं चाहिए। तो चरणनयोग ओके है तो उसकी भूमिका पक्की है, और बाहर की क्रिया ही है, इतना ही नहीं है, जिसको जीव दया का ऐसा परिणाम हुआ है वो स्वयं को जीव देखने में बहुत सहायक होगा, अभी नजदीक है। हाँ बोलो, हुआ है ऐसा तुम समझ रहे हो, अब हम हमारी तरीके से नापेंगे, बुखार तुम्हें हुआ है ऐसा तुम फोबिया से जान रहे हो, माय डियर यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय फोबिया। डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है, होता है ना फोबिया, जानते ना, निश्चयभाषी भी नहीं, निश्चयभाषी के, देखो सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं वो झूठ भी नहीं बोल रहा ना, छलावा कर रहा है ना, सर्टिफिकेट के पीछे कुछ कर रहा है, बट वो स्वयं भ्रम में खड़ा है, उसने जो अपनी कल्पित धारणा की आत्मा ऐसा ऐसा है वैसे उसने अनुभव किया, थोड़ी देर के लिए उसको कषाय की मंदता हुई, उसने कंक्लूड किया, हो गया खत्म,
जैसे उसने इमेजिन किया था, इमेजिन मतलब जैसे पड़ा रखा है, यह सूक्ष्म संधि तो केवल ही जानता है। भले ही टोडरमल जी ने उदाहरण दिया होगा घोघे के गुड़ का, वो उदाहरण भी परोक्ष है, क्योंकि वो उदाहरण गुड़ का लिया जा रहा है और सिद्धांत अतिंद्रिय में घटित करना है। और गुड़ खाने के बाद भी बहुत बार मिठास का वेदन नहीं होता जी, और बिना गुड़ के भी मिठास का वेदन होता है। हुआ क्या? क्यों बिना इमली के भी? क्या ख्याल है आपका? बिना इमली देखे भी मुंह में हो सकता? ये क्या, हमारे यहाँ क्या आवश्यकता है? टोडरमल जी का उदाहरण एक देश है। टोडरमल जी भी क्या करे बेचारे, उनके पास यही सब उदाहरण है। आत्मानुभव के लिए, अतिंद्रिय आनंद के लिए उदाहरण कैसे खड़ा होगा? वो चीज ही अनुपम है। इसलिए कल भी बात आई थी, उसको प्रत्यक्ष कहना या अपवाद कथन है उत्सर्ग रूप से, तो वह परोक्ष ही है। कल बात आई थी। आगे बढ़ते हैं। अब बोलो। जी अनुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं, बराबर। हाँ पता चला ना उसको, मैं कब कह रहा हूं। लेकिन बिना हुए भी पता चल सकता है कि नहीं, उसके कल्पित जितने जन सर्टिफाइड है, कर्णनियों कहता नहीं है अभी ऐसा कुछ तुम्हें, तुमको भ्रम हुआ है भ्रम। इसलिए सबसे तगड़ी कसौटी कर्णनियों की है। आप लोगों ने मंगल शासन देखा है? मंगलायतन से अभी एक पुस्तक का सेट छपा है, आप लोगों ने नहीं देखा? अजय मैं लेके आता फिर 10-12 सेट यहाँ पर, तो उसमें सम्यक दर्शन के लक्षणों का समन्वय का एक चैप्टर लिखा है टोडरमल जी के कथन की तर्ज पर, बट उसमें कर्णानियों की एक नई विवक्षा भी इंप्लीमेंट करके बात की है। मजबूत कसौटी इस कर्णानियों की है, क्योंकि यह सब केवल ही गम्य है, हमारे सर्वथा ही गम्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्षण क्षण का परिणाम हम कैसे नाप सकते हैं? यहां पर लिखा है, मैं पेज नंबर्स भी आपको बताता जा रहा हूं, 265 पर आप देख सकेंगे। अभी तो विषय अपना यह है, अज्ञानी की देशना भी सम्मित में कार्यकारी होगी क्या? और वह अज्ञानी भी शरणानियोग वाला तो सम्यक ज्ञानी ही चाहिए, कोई रस्ते फिर वो अज्ञानी जिसको देव शास्त्र गुरु की भी खबर नहीं, क्षेत्र वे सात तत्व की भी, विवक्षाओं की भी, उसकी देशना कैसे निमित्त होगी? ऐसे तद्दन अज्ञानी की बात यहां पर नहीं है। देखिए 237 आ गए पेज जल्द। सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यनियों के शास्त्र है, और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उद्देश्य से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। ठीक, मैंने जो कहा सावधानी से समझना, मैं फिर उसी प्रकरण में आया हूं, इसको छोड़कर। एक सूक्ष्म संधि कषाय की, मंदता की और अतिंद्रिय आनंद की, ये करना एक परोक्ष ज्ञानियों के द्वारा ये बड़ी टेढ़ी खीर है। और विचार करना, सब विचार करना, जो मैं कह रहा हूं गौर से विचार करना। नव्य ग्रेव्यक वाला देव जिसको कभी अपोजिट जेंडर संबंधी विकल्प होता नहीं, खाने संबंधी विकल्प होता नहीं, पहनने संबंधी विकल्प होता नहीं, कुछ विकल्प ही तो नहीं है उसको, कुछ भी नहीं। और वर्तने वाला जो कषाय है वो संज्वलन की तीव्रता है कि अनंत अनुबंध की अत्यंत मंदता है, यह कौन निर्णय करे? संज्वलन के उदय में आचार्य अपने शिष्यों को ताड़ना देकर भी
दोष को उगलवाते हैं। और टेरर इतना जमाया है उन्होंने अपने संग में कि ऐसा कहते हैं जिस प्रकार कोई कौन गीदड़ ने कोई भक्ष ग्रहण किया हो तो शेर को सामने देखकर जैसे ही वह निगल देता है, जैसे शेर ये इशारों इशारों में कहता है अब रे एक चप्पे चप्पे पर मेरा राज चलता है, मेरी आज्ञा के बिना तुमने कैसे ग्रहण किया इसको। आचार्यों की धाक इतनी नजर में कि बड़ा बड़ बोल देता है सर ऐसा हुआ। अनंत संज्वलन में श्रुत सागर को मरवा सकते हैं ये मुंह काय के लिए भेज रहे, मरने के लिए शुद्ध हिंदी में, तुम अकेले मरना और किसी को साथ में लेकर नहीं मरना, सब पर लाले पड़े हैं तुम जाओ भागो वहां पर बैठो चुपचाप वहीं पर निपट लेना बाहर के बाहर। अभी थोड़ी ना पता था ये सब बाद में झमेला होगा वेंद्र आदि का, कुछ भी हो सकता है। अनंत अनुबंधी की मंदता एक तरफ और एक तरफ संज्वलन का उदय, कैसे नापे डिफरेंस इसका, और वे स्वयं भी कैसे निर्णय करे हमारी कौन सी कशा चौकड़ी का उदय है, कैसे करे आखिर, कौन करे कैसे करे। ग्यारहवें से पहले में आने पर भी क्या वे जानते हैं क्या हम ग्यारहवें से पहले आए, ग्यारहवें से एक का फासला भी वे तय नहीं कर सकते हम कहां थे और कहां। आप समझ रहे मेरी बात को, पेट का पानी भी नहीं हिलता उनका, नो चेंज उनको ख्याल में भी नहीं आता। ग्यारहवें से ठेठ पहले में आए, भोजन करते समय कुछ करते समय नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल कशा है, नॉर्मल मतलब अध्ययन कर रहे, हम शरीर का अध्ययन करते रात दिन तो वे क्यों नहीं करेंगे, वैसे क्या बात क्या तकलीफ है उसमें, मतलब ये प्रिसाइज ऑपरेशन करेगा कौन। आप समझ रहे हैं अनंत अनुबंधी का उदय चल रहा है और उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद, अप्रत्यक्षण और नहीं यह अनंत अनुबंध यह अप्रत्यक्षण है हमारे बस की। अब प्रश्न समझ रहे हैं, प्रश्न आप समझ रहे हैं क्या, हम कैसे दावा करें तो कैसे करें दावा आखिर। आचार्य ने जगह जगह दावे तो किए हैं, ये उनके आत्मविश्वास के तो परिचायक है ही, बट साथ साथ वे जीव ये भी जानते हैं कि सूक्ष्म कथन तो वे जानते हैं जो ऊपर बैठे हैं। और ऐसे प्रवचन सार में आए ना मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, काय के लिए होता है क्या साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसी दीक्षा ले। अरे मैं खड़ा हूं ना यहां पर, हम खड़े हैं ना मोक्ष मार्ग के प्रणेता, कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। और अमृत चंद्र स्वामी की तो टोन है बात करने का, अपना परिचय देते हैं, आत्मा जिसको अनुभव में आया है ऐसा मैं, टीका का प्रारंभ ही हुआ है अपना परिचय, पर्याश्रित तो देने का इन्होंने सीखा ही नहीं, और सीधा आत्मा हूं भी बात नहीं करते हैं, वे कहते हैं आत्मा जिसको निरंतर अनुभव में आ रहा है ऐसा मैं, ऐसा परिचय ही अपना देते हैं, स्वानुभूति की चकासते की तरफ से ही परिचय देते हैं। ऐसा देने में हिचकिचाहट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ करणान्योग की विवक्षाओं का केवल गम्यता का बराबर भान होना चाहिए, इतना भर मेरा कहना है। समझ जा, समझ में आता है मुझे आत्मानुभव हुआ है कि नहीं, ये यहाँ वहाँ फोन करके पूछने का पागलपन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भगवान को पूछना पड़ेगा कि महापागलपन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, और एक रोटी लो और एक रोटी लो, क्यों क्या ख्याल है मुझे लेना चाहिए क्या एक रोटी। मैं बुरा नहीं मानना, गंदा उदाहरण है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर आते ही नहीं जब तक मम्मी ने नहीं कहा तब तक ऐसे बैठे रहते हैं। अब ये भी उनकी माँ डिसाइड करेगी कितना खाना है, माँ डिसाइड करेगी क्या करना है, माँ डिसाइड करेगी, क्यों मम्मी क्या ख्याल है। अरे बच्चा बुच्चे में होगा ये बड़ों में थोड़ी होगा, ये प्रिसाइज ऑपरेशन क्या कहना चाहिए उसको, ऐसे नुकीले टूल्स हमारे पास नहीं है इतने, समझ में आता है कौन से नुकीले टूल्स, ये अनंत अनुबंधी है, ये अप्रत्यक्षण, हाँ ये अप्रत्यक्षण का उदय चल रहा है, गया 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 गया, अब दूसरा
अरे भैया मत बेवकूफ बनो बनाओ, ऐसे थोड़ी चलता है। और भैया मिथ्यात्व का भी उदय एक शरीर का नहीं हुआ करता। मिथ्यात्व के भी टोडरमल जी ने लिखा दर्शन दर्शन मोह के निमित्त से होने वाला जीव की अवस्था। अंतिम लाइन लिखते हैं, मिथ्यात्व की भी तीव्रता मंदता होती रहती है, वो इतनी मंदता तक जाएगा तुम कैसे नापोगे, कैसे नापोगे तुम ऐसा। खाल उधेड़ देवे और फिर भी उफ नहीं करे और फिर भी महामिथ्यात्व में खड़े, क्या आपत्ति है। और आप सुनते हैं रावण आए तो कौन कौन हिला रहे है, दबा दो उसको, निपटा दो, है क्या बोल रहे हैं, जानते ना आप लोग। रावण ने वो पहाड़ हिलाया कि देयर डिस्टर्बेंस, कैसे व्हाट डिस्टर्बेंस, हु इज दिस फेलो, इसको करो क्या झटका दो इसको, रो बच्चे फिर, अरे साहब तुम मुनि हो शट अप, अरे कुछ भी हो सकता है भाई, तुम क्या समझते हो हम कैसे नापे, आखिर वे भी कैसे नापे। देखो यहां पर तो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्य नियोग के शास्त्र है। आगे दो लाइन ना, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिसके उद्देश्य से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करे जिससे उद्देश्य अन्य मित्र सम्यक दृष्टि हो जाए, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य स्त्री पुरुष कामरूप हो जाए, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता, उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धा अनुभव होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिला था, परंतु इसका ठिकाना नहीं इसलिए तो सम्यक ज्ञान नहीं। कहना क्या है मुझे, वैसे सामने वाले को हो रहा है तुम्हारे, तुमको नहीं हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। कलाम की एक लाइन विचारनी है, अ वीकर स्टूडेंट स्वर्ग, अ स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अ वीकर टीचर रैदर देन अ वीकर स्टूडेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टीचर। समझ में आ गया होगा, अच्छी बुद्धि वाला विद्यार्थी कम बुद्धि वाले टीचर से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन कम बुद्धि वाला ज्यादा बुद्धि वाले टीचर से कोई निहाल नहीं कर पाता, क्योंकि बात फिर वही उपादान में आकर नड़ेगी ना। देखो और अब आइए निमित्त उपादान चिट्ठी खोली पेज 350 पर आइए, 350 ये सब उपक्रम। अब 359 पर आइए, 359 मैं तो अप्रोक्सीमेटली बोला है क्या, यहाँ पर निमित्तोपादान चिट्ठी ये जयपुर का प्रकाशन है क्या, पीडीएफ का ही की है, सोनगढ़ की है, पेज नंबर देखना है 359 पर है क्या, ऊपर देखो उपादान निमित्त चिट्ठी टाइटल है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ठीक है दो तीन पेज और आगे चलो, 4-5 पेजेस आगे चलना पड़ेगा। अब लास्ट पेज पर आइए, इसके लास्ट पेज पर आ गए। देखो बहुत शानदार है ये चिट्ठी भी, इसमें एक चौभंगी की चर्चा की है इन्होंने, एक पर्यार्थिक चौभंगी एक द्रव्यार्थिक चौभंगी की बात की है। चौभंगी मीन्स एक चार के ग्रुप की बात करते हैं, देखो चार ग्रुप कैसे बनाए हैं इन्होंने पर्यार्थिक चौभंगी में लास्ट। अब पर्यार्थिक चौभंगी सुनो, एक तो वक्ता अज्ञानी श्रोता भी अज्ञानी, क्या होगा वहां तो निमित्त भी अशुद्ध उपादान भी अशुद्ध, ऐसे थोड़ी होगा निगेटिव पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो दूसरा वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी, अंडरलाइन क्या कह रहे हैं यहां पर, वक्ता अज्ञानी श्रोता ज्ञानी, अज्ञानियों से ज्ञान हो सकता है, इसको क्लैरिफाई करो जल्दी क्लैरिफाई करो कोई, क्या
क्या कहना चाहते? आया नहीं क्या अभी? आया नहीं क्या? पे चिट्ठी क्या है ये? टाइटल क्या चल रहा है? तो फिर लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट चार लाइंस चाहिए हमको, चार पेज की तो चिट्ठी है ये। आ गया, ठीक है। अंतिम पैरा देखिए, दूसरा, वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी, मिल रहा है सबको? इसको कोई खोलो, खोलो इसको कोई, क्या अर्थ लेना चाहिए? खोलो। अब मैं पूछता हूं, एक मिनट बोलो, आप बोलना, आप एक मिनट। मेरी क्लास में उत्तर बताना जरूरी है, जरूरी। बोलो, हाँ तो उसकी बात चली नहीं रही है, अपन तो आगे निकल गए। आपका प्रकरण आपके ज्ञान में नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है फिर से? प्रश्न, प्रश्न ही बोलिए। दूसरा मतलब कौन? मेरे अलावा? अरे दूसरा केस खड़ा कर रहे चार में से। हाँ, वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी, तो क्या इसमें क्या खुलेगा विषय? विषय कैसे खुलेगा बोलो? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, चलो बोलो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आगम का अभ्यास ही तो होगा, वो कुछ को कुछ बोलेगा, ऐसे थोड़ी उसके सम्यक ज्ञान होगा सामने वाले को, ऐसा नहीं। बोलो। राइट, बराबर। चरणन योग की दृष्टि में ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, ऐसा वक्ता निमित्त हो सकता है, बराबर। कहीं भी जिनागम में यह नहीं लिखा है कि वक्ता अनुभव आश्रित ज्ञानी ही चाहिए। कभी कुछ मिले तो घबराना नहीं, शांति से प्रकरण को पढ़ना, मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। तीन, केस नंबर तीन, अब एक घटना सुनाऊंगा मैं। ये ग्रंथ के दो प्रकरण मैंने बताए, तीसरी घटना, बनारसी दास जी समयसार नाटक लिखा है, ग्रंथ कैसा है? झूम जाए लोग इसको गाते गाते, रसिक हो जाए गाने वाले। और ये ग्रंथ लिखा गया है बहुत बड़ी बीमारी में, बहुत बड़े रोग में, निश्चयाभास नामक रोग में। चौराहे पर यह आदमी खड़ा रहकर हुटिंग करता था, इतना नहीं कह रहा हूं मैं, चलो अपन उन्हीं से समझते हैं। तजी कुल लोक की लाज, क्या? तजी कुल लोक की लाज, भयो बनारसी आसिक बाज, करे आसिकी धरतन धीर, दरद बंद जो मेख फकीर। फकीर जैसे भीख मांगता है वैसे इसकी हालत हो गई है, कह रहे एक टक ध्यान सो धरे, पिता आपने को धन हरे। समझ में आता है? क्या करता है यार तू, बोलो आगे। चोर चूनी माणिक मणि, घर का आटा भी हीरे माणिक भी ले ले जाकर सब देता है उसको, और फिर गिड़गिड़ाता है
वेश्या को मेरी खबर देना, मेरी खबर कर देना। ये आदमी के हाथ से लिखा गया ये ग्रंथ है समय सर नाटक, पढ़ना है कि नहीं आप सोचो, क्योंकि तुम कहते हो ना ये हमको। अब जानते हो बनारसी दास जी को, ये तो एक दशा निकल गए बनारसी दास जी की, बहुत दलदल से निकल गए, थोड़ी सी होश संभालने लग गए तो फिर लिखते हैं अर्ध कथानक में, तब बनारसी बाचे नित वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करने को रस मिटी गयो भयो ना आत्म स्वाद। भई बनारसी की दशा जैसे उंटन को पाद, बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, जैसे ऊंट के पैर का बैलेंस स्ट्रांगली नहीं रख सकता, उसके पैर मांसल होते हैं, थोड़े वायुयुक्त तो होते हैं, वैसा वो रिजिडली नहीं रख सकता, और चलता भी रेगिस्तान में है तो पकड़ उसकी थोड़ी सी ऐसी ही होती है ढीली। ऐसी कुछ दशा मेरी हुई है। फिर बाद में उन्होंने सोचा, जब रूपचंद जी से मिलना हुआ आगरा में, गोमट सर का प्रकरण जो हम दोपहर में पढ़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने जीव कांड पढ़ा, तो उन्होंने उसमें गोमट सर के माध्यम से जो गुणस्थान का प्रकरण पढ़ा, उससे उन्होंने होश संभाली, और फिर उनको ख्याल में आया मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। क्या? मैंने समय सर नाटक लिखा है, ऐसी हालत में लिखा है, और पब्लिश ही हो चुका, इतनी बात नहीं, मुंह जबानी सब जगह भी चल गया उसका भी, अब क्या करें, इसको कैसे बचाए। बट इविन देन देखो इसके लिए ताकत चाहिए, जिन शासन के प्रति सच्चा प्रेम चाहिए। इतना फेम मिलने के बाद भी उन्होंने लगा उनको चेंज तो इसमें होना चाहिए, तो फिर उन्होंने नए सर से समय सार नाटक सामने रखा, फिर से जांचना चालू किया रोजाना, पढ़ते जा रहे नो मिस्टेक, स्पॉटलेस। ऐसा क्यों? फिर उन्होंने लिखा, उसमें कारण लिखा। क्या कारण लिखा बताओ? क्योंकि मैंने अपनी डेढ़ अकल नहीं चलाई कहीं बीच में, पांडे राजमल जिने धर्म बोलो नाटक समय सार के मर्म, यह सब उनका है। बनारसी दास जी कहते मैं क्यों नहीं चूका, ऐसी हालत में भी क्यों नहीं चूका, क्योंकि मैंने इतनी तो सावधानी रखी, जैसे ऊपर से फ्लो आया है, पैक चुकहु कहीं मुनि जाता, केवली सुध केवली भणिदम, दोपहर का एक शब्द बोलो, सत्यव्रत की भावना, अनुवीची भाषणम, जैसा ऊपर से फ्लो आया है वैसा ही मैं कहूंगा। बहुत ऐसा एक स्टाइल है जयसेन स्वामी की, तो अमृत चंद्र स्वामी ने जिस पर कलम उठाई है यू हैव नो राइट, पर क्या बात करते यार उन्होंने बोला है, मतलब हम नहीं बोले, कहां से लाया तुमने न्याय, हम बोलेंगे और उनके सम्मान की भी रक्षा करेंगे। तो जयसेन स्वामी टीका करते समय कहते, प्रथम व्याख्यान है, प्रथम तो ऐसी भी विवक्षा निकलेगी, और सेकंड दूसरे व्याख्यान से ऐसा भी अर्थ निकलेगा इसका, इससे ऐसा भी निकलेगा, इससे ऐसा भी निकलेगा। निष्कर्ष, आगमाश्रित भी सम्यक ज्ञान होता है। हमको देखना इतना ही जरूरी है कि जो वक्ता हमारे सामने बैठे हैं, निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त द्रव्य गुण पर्याय चारा भाव पंचभाव आदि जितना बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, ये सब वक्ता होने के अधिकारी है। आगे बढ़ते हैं, नहीं कि और कुछ परिभाषा देखते, कुछ डाउट यहां तक? डाउट नो,
नहीं की और एक परिभाषा देखते हैं, बोलो। कैसे हो गए आपको? हो रहे आई मीन नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ कहना भी नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है। एक सम्यक दृष्टि पछड़ जाए, मिथ्या दृष्टि तस्य मस नहीं हो, ऐसा भी देखने में आ सकता है। बनारसी दास जी ने ही लिखा, क्यों लिखा होगा ये तो आप बता पाएंगे। कोई एपिडेमिक रोग का फैलाव हो जाए तो ज्ञानी कहीं भी जा सकता है, चलो 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 भागो, पैकअप पैकअप पैकअप, हो सकता है। प्लेग का जमाना था, प्लेग का जमाना, और कभी भी रास्ते पर आकर खड़े रहो दो तीन आरती तो वैसे दिख जाती थी आम तौर पर, जैसे चिड़िया उड़ती दिखती है। प्लेग का जमाना था ना, वो टोडरमल जी के काल में भी ये प्लेग चला, जैसे 60-65 के टाइम में चला। तो सम्यक दृष्टि जा सकता है, क्यों? मुनिराज हमारे, उनको ये पता चला अकाल आने वाला है, मीटिंग मीटिंग फटाफट फटाफट चलना है साउथ साउथ, चलो चलो चलो। कौन कौन है ये? अंतिम श्रुत के भद्रबाहु जी, जिन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता ना। निकले दक्षिण की तरफ उत्तर से पूरी टीम को लेकर, जो बच्चे सो तो खत्म ही हो गए, उनकी तो क्या बात करें। सब हो सकता है, हम कैसे पैमाना करें मिथ्य दृष्टि सम्यक दृष्टि का? ऐसा नहीं है कुछ भी, एक स्थूल कथन है, तुरंत थोड़े ना अड़ोस पड़ोस में जाकर ढोक देने लगेगा वो, ऐसा नहीं होता। ठीक, समन भद्र पर कैसी नौबत आई होगी भगवान जाने, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, और इसके बीच में हमारे पास ऐसा कोई पैमाना भी नहीं है जो हम उनको उस दरमियान मिथ्यात्व सिद्ध करें। क्या हुआ होगा, कैसी तरतमता होती है, हम कैसे क्या कहें? तो ग्यारहवें से पहले गुणस्थान में आने वाले मुनि को जरूरी बिल्कुल नहीं है पता चले कि वो इतना नीचे आए हैं। नीचे आए हैं ये पता होना जरूरी नहीं है उनको, आसन भी बदलना जरूरी थोड़ी है उनका, और मूवमेंट करने लग जाए तब तो फिर पता चलेगा ही चलेगा, फिर कैसे नहीं चलेगा? फिर छठे के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं है, इतना तो समझेगा ही उनको, लेकिन पोज बदलना भी तो जरूरी नहीं है उनको। समझ में आ गया? अभी पोज में बैठे हैं, ये कैसे पहले से लेकर बारहवें गुणस्थान तक की सेम फोटोज है, सेम फोटोज है हमारे पास, सब फोटोज एक सर के कैमरा ने निकाली हुई, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता क्या। ठीक है, छठे सातवें में झूलते रहते निरंतर आहार करने के काल में, यहां वहां गमन करने के काल में कितनी बार मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं, कुछ भी आश्चर्य नहीं। ठीक है, नई की और एक परिभाषा देखते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्ष नया, क्या कहा? नए वे है जो प्रतिपक्ष का निराकरण खंडन ना करे। मुख्य गौण की व्यवस्था हो सकती है, होती ही है, तत्व और सूत्र के सूत्र बोले शानदार बीचों बीच रखा हुआ, अर्पित अनर्पित सिद्धि, वस्तु की सिद्धि मुख्य गौणता से होती है, इसलिए नए सापेक्ष हुआ करते हैं। वस्त्र ताने बाने के समूह का नाम नहीं है, वस्त्र विशिष्ट
ताने बाने का मेष कान नाम है। समझ में आता है? मात्र ये ऐसे रखे, ये वैसे रखे तो होता थोड़ी है वस्त्र ऐसा। एक विशिष्ट मेष चाहिए उनका। नए सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं। इसलिए आत्मीमांसा 108 नंबर का छंद होगा। निरपेक्ष नयाम मिथ्या, आगे बोलो। सापेक्ष वस्तुतः अर्थकृत, वस्तुते अर्थकृत, वस्तुतः अर्थकृत वे ही प्रयोजन भूत है जो अन्यों की भी रक्षा करते हैं। कथन एक समय में एक का होगा, हयाती में कर्म नहीं हुआ करता, हैसियत में बराबर की हैसियत से सभी एक साथ रहते हैं, क्रम में तो जब जिसका जैसे क्रम पड़ जाए। नहीं कि एक महत्वपूर्ण परिभाषा हमने देखी, जब जिस नए से हम वस्तु को देख रहे हैं उस समय में वो वैसी ही दिखती है और उस समय में बाकी के पक्ष गौण है। फिर ये आंख बंद होगी, दूसरी आंख खुलेगी तो वो ही मुख्य हो जाएगी। समझ में आता है? वस्तु सर्वथा नित्य ही है, नित्य नय से देखो, द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वस्तु सर्वथा नित्य ही है और व्यवहार नय से देखो तो सर्वथा ही अनित्य है। समझ में आता है? इसमें कथनचित नहीं लगता, अपेक्षा लगाने पर कथनचित रहता नहीं है, राइट? पिता की अपेक्षा से पुत्र ही है, पुत्र भी नहीं है। 47 नयों की चर्चा एक दो मिनट है, लेकिन कल से प्रारंभ करते हैं हम परिशिष्ट मूल में। प्रवचन सार के आधार से हम यहां से प्रारंभ करेंगे। प्रवचन सार अच्छा यहां पर तो रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है? अधिक से अधिक शंकाएं आप पूछिए, यहां पूछ सकते हैं तो बेटर, कभी मैं भूल भी जाऊं करता हूं कहकर आप संकोच ना करें, अथवा चिट दे सकते हैं तो समय आने पर यथा योग्य समय में उसको फोकस किया जाएगा। अवांतर समय में यदि समय मिलता हो तो जो जो विषय अपने अध्ययन में चलते हैं तीनों टाइम उसको आपको देखना चाहिए, एक रिव्यू। खास तौर पर आज दोपहर का अपने पास चौक नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम भी गए वो, लेकिन आपको फिर कितना पकड़ में आया, आपके नोटबुक में प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, आपको जाकर पढ़ना चाहिए इस सब चीजों को, ठीक?